नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पिन कोड का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड है। पिन कोड डाकघर का एक विशिष्ट नंबर है जिससे पत्र को अपना रास्ता एवं मंजिल सरलता व शीघ्रता से प्राप्त होते हैं। पत्र प्रेषण का कार्य प्राचीन काल से जारी है। हालांकि आज संचार की विभिन्न प्रणालियां उपलब्ध हैं, फिर भी एक साधारण इंसान के लिए संदेश पहुंचाने का एक सस्ता एवं सरल साधन पत्र ही है। हमारा देश एक विशाल देश है, यहाँ भिन्न भिन्न बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। कई भाषाओं व लिपियों में लिखे गए पत्र सर्वप्रथम अनुवाद के लिए अनुवाद केंद्रों में भेजे जाते थे ताकि इनके गंतव्य स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इस प्रक्रिया में अत्यधिक खर्च एवं अनावश्यक विलम्ब होता था। पिन कोड पद्धति से पत्र आसानी से अपने मार्ग पर चल देता है। भारतीय डाक एवं तार विभाग ने इस महत्वपूर्ण पद्धति को 15 अगस्त 1972 को प्रस्तुत किया। इस पद्धति के अंतर्गत देश के सभी वितरण कार्यालयों को एक एक संकेत नंबर दिया गया है। शाखा डाकघरों को अपना कोई पिन कोड नंबर नहीं दिया गया है। पिन कोड में 6 अंक होते हैं। पिन कोड का प्रथम अंक डाक क्षेत्र अथवा परमंडल को निरूपित करता है। देश को सुविधा की दृष्टि से 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। बाद के 2 अंक उस जिले का बोध कराते हैं जहां डाकघर स्थित है। शेष 3 अंक उस स्थान को प्रदर्शित करते हैं जहां से पत्र का वितरण होना है। इन तीनों में भी प्रथम अंक डाक पत्र तथा अंतिम 2 अंक वितरण डाकघर को प्रदर्शित करते हैं। शाखा डाकघरों को अपने लेखा कार्यालयों के पिन कोड काम में लेने होते हैं। इस पद्धति के उपयोग से पत्र प्राप्तकर्ता प्रेषक व डाक कर्मचारियों को आसानी रहती है तथा पत्र शीघ्रता से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। अतः प्रत्येक पत्र प्रेषक को चाहिए कि वह पत्र प्राप्तकर्ता व स्वयं का पता तो स्पष्ट अक्षरों में लिखे ही, साथ ही जहां तक हो सके दोनों पतों के साथ उनके पिन कोड भी लिखे।